अभी फिलहाल हम वीर कुंवर सिंह सेतु पुल पे हैं, जो बिहार और यूपी तो कनेक्ट करती है, बिहार पीछे है और यूपी है ये, और ज़्यादातर मजदूर जो है वो यूपी बॉर्डर से होकर के आ रहे हैं। बहुत सारे मजदूर आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं, और ज़्यादातर ये लोग गुजरात और अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि पहले जिस तरीके से हमारे लिए वादा किया गया था कि सरकारें व्यवस्था अवेलेबल करेगी, उस तरीके से नहीं, और आज भी ये लोग पैदल आने के लिए मजबूर है। ये जरूर है कि पहले जो संख्या प्रतिदिन 1000 या 1000 से ज़्यादा हुआ करती थी, अब इनकी संख्या घटी है। या कारण ये है कि ज़्यादातर लोग जो है ट्रेन से भी अब शिफ्ट होने लगे हैं, और उम्मीद जगी है जिस तरीके सरकार एक एक करके दुकानें खोलना शुरू कर दी है और हर बिजनेस धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, तो अब मजदूर लग रहा है कि ऐसे जो जहाँ फंसे हैं वहीं रुकने की कोशिश भी कर रहे हैं। आइए हम आपको बात करते हैं यहाँ के लोगों से। सर एक सवाल है, अभी कितना संख्या आ रही है? अभी देखिए यही लगता है कि पहले से अपेक्षा मजदूर का आना जाना चाहिए। क्या मानते हैं सर, क्या वजह तो उससे ज़्यादा किया जा सकता है, फिर भी मुझे लगता है कि सरकार ने जो ट्रेन सुविधाएं दी हैं या जो भी प्रोसेस चल रही है उसकी वजह से भी हो सकता है, पहले की अपेक्षा कम आ। तो ये यहाँ के सब इंस्पेक्टर है, इनका कहना है, ये प्रभार में है, उनका कहना है कि पहले जो मजदूर थे वो ज़्यादा संख्या में आते थे, फिलहाल कम संख्या में आते हैं। वजह ये है कि सरकार अपने तरीके से कुछ इंतजाम भी कर रही है और धीरे धीरे लॉकडाउन का जो असर वो कम भी हो रहा है। हम कुछ मजदूरों से भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, क्या इनकी कंडीशन। पैदल ही आ रहे हैं? हाँ, पैदल ही आ रहे हैं। व्यवस्था नहीं था बीच में कोई व्यवस्था नहीं था, गाड़ी नहीं मिला। पैदल कितना दिन लगाने हो गया? 10। अब तो खुलने लगी धीरे धीरे दुकान। हाँ, धीरे धीरे दुकान सब खुल रही है। फिर आप लोग जाएंगे? अभी क्या जाएंगे, अभी तो इधर घर रहेगा, गांव पर रहेगा, तभी जाएगा ना। कब तक रहेगा? अरे कब तक रहेगा, कोई ठिकाना है हिम्मत ना? कोई कंपनी वाला पगार देता है ना कुछ देता है, पगार भी नहीं देता है, ऐसा भगा दिया। अब कभी नहीं बाहर में जा सकते, बाहर कभी नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? और इसने बिहार सरकार से आग्रह है कि हम लोग बिहार में प्रक्रिया खोलें, और बिहार में कोई भी नौकरी करे तो अपने बिहार में करें। बिहार से आगे नहीं रहे, हम लोग बिहार सरकार तो कुछ सुनता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतना देर से पढ़े हैं, कम से कम बुलाना चाहिए। तो ये मजदूरों का कहना है कि हम लोग मजबूरी में जो है बिहार छोड़ते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार से बाहर जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे उद्योग नहीं है, और हमारी मजबूरी है कि हम जाते हैं। लेकिन अब मजदूरों का जो हौसला है वो टूटता दिखाई दे रहा है। इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार हमारे लिए व्यवस्था कर दे तो हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे में अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो हम हौसला नहीं जुटा पाएंगे कि बाहर जाएं। जो भी है हम चाहेंगे कि हमारा हमें काम यहीं पे मिले। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं अहमदाबाद। मास्क लगा लो। थैंक यू। मास्क लगा के बोलो, अहमदाबाद से आए? हाँ जी। कैसे आए? हम ट्रक से रिजर्व करके आए हैं, 3500 भाड़ा देगा। 3500 भाड़ा किया तो अब फिर जाने का प्लान है? फिर जाने का प्लान है, उसका डबल पैसा देगा तो जाएंगे। डबल पैसा देगा? बहुत सताया था। कैसे? क्या जैसे में बहुत सताया है कि आज पगार करना है, आज ये देना है, वो देना है, कुछ भी नहीं दिया है। तो हमारी कंपनी ने हमारे साथ 2.5 महीने का सैलरी नहीं दी, और हम लोगों का जो वर्कशॉप यानी ड्यूटी है वो 6 घंटे का है, वो 6 घंटे का हम लोग को सैलरी भी नहीं दी है। कितने दिन से सैलरी नहीं मिला? 2.5 महीने की नहीं दी है। क्यों नहीं मिला? क्या उनको ऊपर हमने लेबर कोर्ट से केस भी किया था, केस करने के बावजूद भी उसने लेबर कोर्ट वाले ऑफिसर को पैसा देकर उसका हमारे पास पूरा नंबर और पूरा डिटेल पड़ा है, और जिसने वकील से केस किया था वो उस वकील का भी मेरे पास पड़ा है, मगर उन्होंने कुछ समाधान नहीं किया, सारे लोग को पैसे देकर हम लोगों का कम से कम 120 आदमी का डिस्कनेक्ट कर दिया। लॉकडाउन टूटेगा तो जाना है ना? वहाँ पर नहीं जाना है, वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर जाने से क्या फायदा, जब हमारे साथ ऐसा शुरू कर दिया है तो आप तेरह चौदह दिन हो गया पैदल आते हुए। 13 दिन हो गया? हाँ, 13 दिन हो गया। सरकार बोले थी गाड़ी दिया जा रहा है सब लोग आने के लिए, आप लोग को नहीं मिला? सरकार कहाँ गाड़ी दिया है? गाड़ी नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं है, बोलते हैं तो बिहार का कोई गाड़ी है नहीं है। आप लोगों ने बात करी वहाँ गुजरात? हाँ, बात की है, बोले बिहार का भी गाड़ी नहीं खुलेगा, खुलेगा तो हम लोग बताएंगे। अच्छा, गुजरात में क्या हाल था, वहाँ पर क्या व्यवस्था थी सरकार की तरफ से आप लोगों? गुजरात सरकार से व्यवस्था सही था, खाना पानी मिल रहा था? खाना पानी सब मिल रहा था, गुजरात सरकार से कोई दिक्कत नहीं था, गुजरात सरकार अच्छा ही करता था। तो गड़बड़ कौन है फिर? गड़बड़ तो जो हम लोग आने जाने की कोई व्यवस्था मिलता ही नहीं। इसको करना था, बिहार से आओ करना था, करना चाहिए ना बिहार सरकार को, हम लोग को बुलाना चाहिए ना, हम लोग फंसे हैं, अपना घर परिवार के साथ में आ जाएंगे हम लोग। हाँ, हम तो फंसे हैं, नहीं अपना सरकार को ना व्यवस्था करना चाहिए। अर्जुन कितना दिन लगा आने में? 13 दिन। 13 दिन लग गया। क्या करते थे वहाँ पे? क्या करते थे गुजरात में? कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ खाना वाना नहीं मिल रही है, जो कंपनी में काम कर वो लोग नहीं देता था कुछ? नहीं देते थे, सरकार भी नहीं दिया। इस तरीके से खौफ और दहशत में है मजदूर। इनका कहना है कि कई कंपनियां तो ऐसी है जो हमारी सैलरी भी रोकती है, हमें समय पर पैसा नहीं देती है,
और इस हालात में हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ कंपनी कुछ अच्छा करेगी, इसलिए शायद हम नहीं जा पाएंगे और वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे जिस कंपनियों ने हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे साथ धोखा दी है। अब बने रहे जनमित्रा के साथ, आगे आपको अपडेट दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।